इसमें टेक्निकल लौंडा और मैं आप लोग को बताऊंगा एलबीपी कैनन का एलबीपी 2900 जो प्रिंटर है, ठीक है, 2900 प्रिंटर, इसका लेज़र यूनिट जो है वो कैसे चेंज करते हैं, लेज़र इसका जो यूनिट है उसको, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले तो कॉटरेज में चेंज कर लिया, ये जो टोनर है कॉटरेज इसको चेंज कर लिया, उसके बाद भी फीका आ रहा है प्रिंट हमारा, ठीक है, इसको चेंज करने के बाद भी फीका आ रहा है, तो हम लोग लेज़र यूनिट में काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन लेज़र वहीं से पड़ता है, तो डार्क फीका वीका जो आता है वहीं से आता है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे क्लीन अप करेंगे, पहले सर्विस करेंगे उसको, वो सब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग है माउट टेक्निकल लौंडा, चले चलते हैं इधर और मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का ये कैनन एलबीपी 2900 प्रिंटर, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये प्रिंटर मॉडल है जो बहुत अच्छा मॉडल है, इसमें 12A टोनर कॉटरेज लगता है ये वाला, जो लगभग 1500 प्रिंट देता है एक बार रिफिलिंग करने से, ठीक है, 1200 देता है लगभग ये प्रिंट, 1200-1500 प्रिंट निकलता है इसमें, 12A टोनर कॉटरेज का नाम है। कैनन एलबीपी 2900 सिंगल फंक्शन लेज़र जेट प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट, इसमें फ़ोटो कॉपी वगैरह नहीं होता है। ज़्यादातर हर ऑफिस कारखाना और खाना सभी जगह यही देखोगे, और एक HP का 10-20 देखोगे। ये क्या रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए है, बहुत ज़बरदस्त है ये। और ठीक है, बस फिर खोलना खालना बताता हूँ आप लोग को, सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक साइड देखिए, इधर बैक साइड यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये एक और ये दोनों स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद ये साइड का जो ढक्कन है उसको निकालेंगे। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ये ऑलरेडी खुला हुआ है इसका। अब देखिए इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, इसको साइड रख देंगे, ये वाला जो ढक्कन है इसको ऊपर निकालेंगे, ठीक है, सामने लाओ ना इधर, और यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ है, इसको हमको यहाँ से ऊपर करके इस साइड वाले ढक्कन को ऐसे बाहर करना है, फिर धीरे से धीरे धीरे इसके बगल में हम लोग डाल के ऐसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद एक बार नीचे से भी हम लोग नीचे से ऐसे इसको ढकेल देंगे ये, ठीक है। इसके बाद पीछे का खुलेगा तो फिर आगे तरफ इसको ऐसे अपने को ढकेलना है, वो खुल जाएगा। ये देखिए ये खुल गया, सेम इसी तरह दूसरी तरफ का भी खोलना है, तो दूसरे तरफ का मैं खोल लिया हूँ इसलिए आप लोग को नहीं बता पाऊँगा, ये ऑलरेडी खुला हुआ था, ठीक है। ऐसे ही खोलेंगे, यहाँ सामने से पहले ढकेलेंगे इधर, फिर बाहर आएगा पीछे का, फिर आगे ढकेल देंगे, ठीक है, सेम। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, इसको निकाल लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए स्क्रू होगा, कहाँ पे स्क्रू होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, तो ये दोनों स्क्रू निकाल लेंगे, तो ये ऊपर वाला जो इसका ये है मॉड्यूल, ये बाहर निकल जाएगा, अगर आपके कंप्यूटर में लाइट प्रिंट आ रहा है, कॉटरेज वॉटरेज सब चेंज कर लिए उसके बाद, तो ये सब कारनामा अपने को करना है, ठीक है। कैनन एलबीपी 2900 प्रिंटर मॉडल है ये, लाइट प्रिंट लाइट प्रिंट लाइट प्रिंट, आइए 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 आपके गांव आपके शहर में पहली बार। चलो ये चीज़ हो गया, अब इसको खोलेंगे, किसको खोलेंगे, ये सामने फ्रंट का पैनल खोलेगा। इसके खोलने के लिए देखिए यहाँ नीचे पे ये दो जगह लॉक रहता है, यहाँ पे हम लोग ये माइनस वाला पेचकस लेंगे और ये यहाँ पे ऐसे करके इसको उठा देंगे, ठीक है, ये खुल गया, नीचे का खुलेगा फिर ऊपर हम लोग ऐसे उठा देंगे, ये खुल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग खोलेंगे इसको, ठीक है, इसका स्क्रू हम लोग ऑलरेडी खोल लिए थे, ये खुला और ये गिर गया, चलो इसको लगाते हैं, कोई बात नहीं, बताते हैं। अब ये दोनों स्क्रू हमको खोलना है, ये एक ये दो, ठीक है, ये पूरा निकलेगा, तब यहाँ पे लगा हुआ है लेज़र यूनिट, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये लेज़र यूनिट है, तो इसी को खोलना है। चलिए इसको दो स्क्रू हम लोग खोल देते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू खुलेगा, एक स्क्रू इस साइड, अबे
उसके बाद और कहीं स्क्रू है क्या? यहाँ पे एक स्क्रू और है, इसको भी स्क्रू को हम लोग खोलेंगे। ये खुल गया स्क्रू। अब ये कैसे निकलेगा? हमको एक माइनस पेचकस लेना है ये वाला, और इसको उठा के यहाँ पे नीचे में साइड में देखिए इसका लॉक रहता है। जूम करो, यहाँ से दिख रहा है ये यहाँ पे लॉक है। वो लॉक को ढकेलोगे तब ये बाहर आएगा, ठीक है। इधर और ये साइड, दोनों साइड नीचे में लॉक दिखेगा, आप लोग को देखना। तो वो क्या है, पहले नीचे तरफ से ऐसे खोलेगा, ठीक है, ऐसे नीचे तरफ खुलेगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। वो लॉक जो बोल रहा था कुछ ऐसा दिखेगा, वो ये चीज़ लॉक है उसका, ये साइड में बैठा रहता है, तो इसी को हमको ऐसे ढकेलना पड़ेगा, तो ये अलग से निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका, ये जो आप लोग देख रहे बोर्ड, इसे इंजन कंट्रोलर बोर्ड बोलते हैं। तो इसको हम लोग निकालेंगे तभी फिर हमारा वो लेज़र यूनिट निकलेगा। तो ये जो पट्टी है इसको आराम से पकड़ के हमको बाहर खींच लेना, ये निकल जाएगा। उसके बाद इसका जो भी केबल है इसको फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। एक केबल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी निकालेंगे हम लोग। यहाँ मोटर से निकाल लेते हैं, ये मोटर का कनेक्शन यहाँ से हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक और स्क्रू है, दिखाते जाओ ना ऐसे कर करके, तो फिर दिखेगा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक और स्क्रू है, उसको फिर हम लोग खोलेंगे। मेरे को मत दिखाओ, इसको ज़रूरी है ना, ठीक है। स्क्रू खुल गया। अब ये जो है बोर्ड, ये बाहर निकलेगा। एक और यहाँ पे केबल लगा है, इसको भी निकालेंगे। ये लेज़र यूनिट इसमें कनेक्ट है इस केबल में, ठीक। एक केबल और इसको बाहर निकालने के बाद, यहाँ लेज़र यूनिट में एक और गया है कनेक्शन, इसको निकाल लेंगे, ठीक। अब इसको हम चाहो तो आप ऐसे अलग रख सकते हो ऐसे साइड करके, या तो फिर पूरा बाहर इधर से अपने को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा खोलने का ज़रूरत नहीं है, इसको लगे रहने दो। इसको बस ऐसे नीचे रख देते हैं साइड करके, और यहाँ पे अपने को चार स्क्रू और मिलेगा, 1 2 3 4 मेन। यहीं से ये अलग निकलेगा, तो इसको हम लोग अलग निकाल देते हैं। तो इसका मैं चारों स्क्रू निकाल लिया हूँ, अब इसको मैं निकाल देता हूँ बाइज्जत, ठीक है। हम इसको सबसे पहले इसको क्लीन करके देखेंगे, इसको साफ़ करके, कैसे साफ़ करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्लीन करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हमारा फीका ही आ रहा है, लाइट प्रिंट आ रहा है, या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे दूसरा वाला नया वाला फिट करना है। तो ये वाला मेरे पास दूसरा वाला पीस पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इसमें फ़िट करूँगा। इसको फिट वापस जैसे आप निकाले थे वैसे ही आपको करना है। ये जो लेज़र जहाँ से निकलता है, ये कांच टाइप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये ऐसे रहेगा फ्रंट में अंदर की तरफ, ठीक है। और इसका स्क्रू जहाँ जहाँ पे लगता है वहाँ पे आप लोग यहाँ सेट करके इसको बैठा दो, ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर। और फिर इसका जो स्क्रू निकाले थे उसको, स्क्रू को टाइट कर देंगे हम लोग चारों स्क्रू को। तो एक स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दो ही स्क्रू लगाया हूँ, आप लोग चारों लगाइएगा अगर आपके पास है तो। वैसे नहीं लगाएंगे, दो ही लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसका फिर ये बोर्ड को लगाना है और इसका कनेक्शन करना है हमको। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर, आप ब्रश से या कपड़े से जैसे भी, ब्रश यहाँ पर चला दीजिए, मैं कपड़े में ही काम चला रहा हूँ फिलहाल। फिर उसके बाद इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा साइड करके जो यहाँ लेज़र यूनिट में इसका कनेक्शन है ये पिन का, ये वाला केबल हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, ये लगेगा। उसके बाद ये साइड से जो केबल है इसको हम लोग ऐसे बाहर करेंगे,
ठीक है, दिख रहा है वीडियो में। फिर इसको यहाँ पे इसका स्क्रू लगेगा, इसको यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग सम्मान पूर्वक। ये बैठ गया प्रॉपर। ये वाले केबल को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, ये भी लग गया। अब स्क्रू हम लोग टाइट कर देते हैं, इंजन कंट्रोलर बोर्ड को हम लोग इंजन में फिट करके सेट कर देंगे। ई हो गई सेट। अब ये वाला जो केबल है इसका कनेक्शन मोटर पे जाएगा, तो हम लोग मोटर में इसका कनेक्शन कर देते हैं मोटर का। ठीक है, तो मोटर का भी कनेक्शन हो गया यहाँ पे। अब क्या बच गया है, अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, बस केबल। ये इंजन कंट्रोल बोर्ड का इस साइड का जो बोर्ड का बोर्ड से हम लोग निकाले थे ये वाला केबल, इसको ये पट्टी को अपने को लगा देना है बस। ठीक है, ये लग गया। बस इसके बाद अब हमको लगाना है, एक बार और चेक कर लेंगे सब लग गया है ना। हाँ भैया सब लग गया है। अब हम लोग लगाएंगे इसको, तो ये रहेगा। देखिए लेज़र जहाँ से निकलता है ये वाला एरिया है, यहाँ से आता है आपका लेज़र, तो ये रहेगा आपका अंदर तरफ। तो पहले यहाँ से हम लोग डाल के ऐसे इसकी जगह में इसको बैठाना है ऐसा, और यहाँ से अंदर दबा देना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, बैठ गया। अब 1 2 3 4 चारों स्क्रू हम लोग लगाएंगे। उसके बाद मैं आप लोग को स्क्रू नहीं लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार चेक करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ स्क्रू लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो वो स्क्रू लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला पैनल है इसको लगा देंगे यहाँ पे। इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे 2 स्क्रू लगा देंगे। 2 स्क्रू लगाने के बाद आपका ये फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वाइट वाला ये चीज़ है कॉटरेज को लॉक करता है, तो ये फंसेगा यहाँ पे, यहाँ, और इसका लॉक है, तो वो लॉक को आप लगा दो, या तो फिर यहाँ पे स्क्रू टाइट कर दो, यहाँ साइड में फिक्स हो जाएगा वो। ठीक है, ये और ये वाला जो एक चीज़ है ये भाई साहब को यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे। इधर का नहीं है, टूट गया है, फेंका गया है, जैसे भी है ये लग गया। ठीक है, अब हम लोग फ्रंट का इसका कवर लगाएंगे। फ्रंट का लगाना है कैसे, हमको ऐसे हमको पहले ऊपर तरफ लगा के ऐसा फिक्स कर देंगे, उसके बाद नीचे तरफ एकदम। ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद अपने को लगाना है साइड, एक बार बैक का ये वाला पार्ट लगा लेंगे ऐसा, ये यहाँ पे ये लगा। अब इसके बाद ये साइड वाला जो है ढक्कन, इसका जो लॉक है 1 2 3 ये तीनों को फंसाएंगे यहाँ पे, फ्रंट में वो फंसता है। देखिए ये लॉक फंसने का जगह है, ये 1 2 3 यहाँ पे फंसेगा। वो कैसे फंसेगा, ए भाई तू काहे गिर रह रे,
ठीक है, तो लॉक वाले एरिया को पहले हम लोग सामने फंसाएंगे, सामने ऐसे पहले फंसाएंगे, उसके बाद पीछे तरफ ऐसे नॉर्मल दबा देंगे, ये फेंक हो जाएगा। ठीक है, ये साला फेंका जा रहा है, कोई गल नहीं, इसको फिर से निकाल देते हैं यहाँ पे। अब कैसे निकलता है मैं देखता हूँ, मैं देखूँगा, मैं ठीक है। तो ये लग गया, सेम दूसरी तरफ को भी इसी तरह हमको लगाना है। कैसे करना है, इधर लॉक लगाना, इधर फ्रंट का लॉक पहले ऐसा, ठीक है, फिर ऐसे सब तरफ ठोक देंगे। ये देखो चारों ओर से ये लग गया पूरा रेडी, टन टन डा। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देंगे, जहाँ से आप स्क्रू निकाले थे। ठीक है, बाहर हो जाएगा, नया लगाएंगे लेज़र यूनिट तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो लाइट प्रिंट था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको कॉटरेज चेंज करना होगा। ठीक है, जो मैं पहले आपको बता दिया था, अगर कॉटरेज चेंज करने से नहीं हो रहा आपका प्रॉब्लम सॉल्व, तो फिर हम लोग लेज़र यूनिट पे उतरेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको क्लीन करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।